सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं फिश लेने। तो हमारे वहाँ जो है लाल सराया जो है फरुखाबाद में ही है, तो लाल सराया हम लोग जा रहे हैं, लाल सराया से फिश लेंगे। और तो जैसा जो होता है वो एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए हमारे पीछे राजा सब्जी का मकान है जो आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस आदमी है फरुखाबाद के। और ये देखिए हमारे किसान भाई राइड कर रहे हैं बाइक को। तो हम खड़गपुरे वाली रास्ता से शॉर्टकट मारते हैं और फटाक से पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं फिर जो हमारे वहाँ जहाँ मछली मार्केट है। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं वहाँ। लेट स्टार्ट नाउ। तो गाइस अभी हम खड़गपुरे की तंग गलियों से जो है गुजरते हुए और डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर बहादुल्ला साहब के क्लिनिक के पास से निकलते हुए पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे वहां का मछली मार्केट। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा मकान। और अभी हम जा रहे हैं और हम जाते तो घूमना वाले रास्ता से भी जा सकते थे, लेकिन हम जो है शॉर्टली होने की वजह से शॉर्टकट मारते हुए जो है इधर से जा रहे हैं। और ये रास्ता जो है लिंजीगन वाली रास्ता कहलाती है। तो कुछ ही मिनटों में जो है हम पहुंचेंगे वहाँ और आपको एक्सप्लोर कराएंगे कैसा क्या है। और वीडियो पे एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बहुत छोटा सा मैं ये ब्लॉग बनाऊंगा, कोई लंबा ब्लॉग नहीं होने वाला है ये, तो प्लीज़ बने रहें। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम जो है लिंजीगन वाले रास्ते पहुँच गए हैं और काफ़ी सर्दी हो रही है यहाँ पर, तो सर्दी की वजह से ये काफ़ी मार्केट बंद है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं और फटाक से पहुँचते हैं और फिर फिश दिखाते हैं आपको कैसा क्या है वहाँ का मार्केट। तो वीडियो पे एंड तक बने रहें। और यार चैनल पे अगर आप आते हैं तो वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो ठीक ठाक लगती है तो वीडियो को जो है लाइक भी कर लिया करें। और हमारे फरुखाबाद में तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन है और कोहरा भी काफ़ी हो रहा है अभी से। और आपके वहाँ कैसा क्या मौसम है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। और बहुत काफ़ी ठंडा मौसम है, आप देख सकते हैं लोग मफलर भी बांधे हैं और जैकेट वगैरह भी पहने हैं। तो चलिए फिर सीधा अब आपको ले कर चलते हैं मछली मार्केट में और वहीं का दिखाएंगे आपको कैसा क्या है, तो प्लीज़ बने रहें। और ये देखिए इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे वहाँ का जो हैगा काफ़ी बड़ा जो है थोक का मार्केट है, इसको लिंजीगन कहते हैं। तो यहाँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत की मिल जाती हैं, थोक के रेट में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से। और काफ़ी बड़े एरिया में जो है बना हुआ है, ये देखिए काफ़ी मसालों की भी शॉप्स हैं यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। फरुखाबाद लिंजीगन इसको कहते हैं। और ये देखिए ये भी रोज़मर्रा वाला सामान आपको मिल जाता है। और हम शॉर्टकट से आ रहे हैं और देखिए कुछ ही सेकंड में हम जो है पहुँच गए अपने लाल सराय पर। तो गाइस फाइनली हम लाल सराय आ चुके हैं और ये देखिए हमारे वहाँ की सराय की टंकी आप देख सकते हैं। और जस्ट इसके सामने ही जो है हमारी मछली मार्केट लगती है और काफ़ी गाड़ी को एक साइड में लेते हैं क्योंकि हमें, और गोभी जो है हमारे वहाँ बहुत आ रहा है इस टाइम, गोभी बहुत सस्ता है और गाजर भी आपको यहाँ मिल जाती है। और ये देखिए कपड़ों की भी काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए BSNL की सिम का ऑफर चल रहा है, 50 रुपये में सिम आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो यहीं पर अपनी बाइक को लगाते हैं और चलते हैं फिर अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको। 140 ही लगेगी या कुछ हो जाएगा कंबल? शर्मा क्यों रहे बताओ ना, कुछ कंबल हो जाएगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको जिंदा मछली भी मिल जाती है, देखिए ये सारी की सारी जिंदा मछलियाँ हैं। और अगर आप सिलन लेना चाहते हैं तो वो 140 रुपये में है। तो पहले लेते हैं मछली को फिर बाद में आपको दिखाते हैं। तौलिए कितनी है? कहाँ है, 700 ग्राम भी तो नहीं है? 700 ग्राम है, 750 ग्राम है। कितने की हुई? 10 रुपये। ये वाली जिद्दा वाली क्या हिसाब है भैया? 160 है। ये होती कौन सी है भैया, काली वाली? ये बांगुर बोलते थे। Yeah.
फाइनली हमने मछली ले ली है और अब घर चलते हैं और इसको फ्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं। फ्राई और एक से मोहिन भाई की शॉप है, मुर्गा चाहिए इनसे ले लेना। ये हमारे मोहिन भाई की शॉप है और यहाँ आपको सभी मेल का मुर्गा मिल जाता है। क्या हिसाब है मुर्गा, क्या हिसाब है? तो गाइस 180 रुपए में अभी है, तो आज का रेट ये 180 रुपए है, कल का रेट कल पता चलेगा। तो इस वीडियो को जो देख के आप ये ना कहें कि 180 रुपए कहा गया था। तो गाइस ये देखिए, बिल्कुल जस्ट इसके सामने ही मछली मार्केट है। ये देखिए, ये इधर है और ये देखिए, ये सराय की टंकी। तो बिल्कुल सराय की टंकी के पास में, और जीशान भाई के साथ में आया था। तो अब हम यहाँ से वापसी हो रहे हैं। तो गाइस फाइनली अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं, मछली ले ली है हम लोगों ने मछली मार्केट से, और जिस जगह पर अभी हम हैं इसे लाल सराया कहते हैं। तो यहाँ से निकल के अब घर पहुँचते हैं, और काफ़ी टाइम हो गई मुझे यहाँ से निकले हुए। और आज ही था मैं वहाँ गया था दूल्हा शाह, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया मुझे, तो इस वजह से देरी हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं और घर पहुँचते हैं। घर वाले भी वेट कर रहे हैं उनसे, प्लीज़ पहुँचते हैं घर पर और दिखाते हैं फिर आपको कैसा क्या, जब तक कि आप थोड़ा सा मार्केट आपको एक्सप्लोर करा देते हैं जो हमारे वहाँ का मार्केट है। और ये देखिए हमारे वहाँ का ट्रैफिक पुलिस, आपने देखी काफ़ी यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत स्लोली है। रात की शाम हो रही है, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 बजने वाला है, तो चलते हैं घर। और ये हमारे वहाँ फरुखाबाद में रिलैक्सो का शोरूम है, और ईशान भाई हमारे राइड कर रहे हैं बाइक को, तो चलते हैं। और काफ़ी ठंड हो रही है, हाथ बिल्कुल बहुत बुरी तरह से चीड़ हो रखे हैं, तो पहुँचते हैं घर पे। तो बस कोई इरादा नहीं था मछली का ब्लॉग बनाने का, तो ईशान भाई ने कहा कि चलो यार बना लो क्या है, तो वही। और ये देखिए बताशों की दुकान है हमारे वहाँ फरुखाबाद में, आप देख सकते हैं बताशे और बूंदी और सुतफेनी वगैरह, गजक वगैरह ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पर। और ये दूध की काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है हमारे वहाँ फरुखाबाद की, देखिए आप देख सकते हैं कढ़ाव में दूध रखा हुआ खोल रहा है। और हम फाइनली यहाँ से राइट टर्न लेंगे, तो ये देखिए रिक्शे वाले भैया घुसते चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ से जो है राइट टर्न मारा हमारे जीशान भाई ने, और हमारे सामने जस्ट सामने आप देख सकते हैं कोतवाली है हमारे फरुखाबाद की। तो फरुखाबाद की कोतवाली, आपने जिन जिन लोगों को ये पता है, बाहर से जो जो लोग भी देख रहे हैं तो वो कमेंट में बताएं कि किनों किनों ने देखी है, जिन जिन लोगों ने भी देखी है कोतवाली। और ये हमारे वहाँ का, इसको सुशक्ति के नाम से भी जाना जाता है काफ़ी, वैसे इसका नाम घूमना बाजार है लेकिन प्यार से इसे सुशक्ति भी कहा जाता है, जहाँ के आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चूड़ी वगैरह मिल जाती हैं। तो चूड़ी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आ सकते हैं, और बाकी जो है हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह के माल वगैरह के लिए भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, वो भी मिल जाता है। और ये देखिए पतंगों का भी सीजन आ गया है, तो पतंगे भी काफ़ी आपको दिख जाती हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये चिकन के लिए भी आपको यहाँ मिल जाता है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और अगर कोई देखेगा एक तो प्लेज लिखा प्लस कैमरा होना बोलेगा कोई गाइस। ये देखिए हमारे वहाँ पतंगबाजी का काफ़ी क्रेज रहता है, और बसंत भी काफ़ी नज़दीक है, तो उसका भी ये सब सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो किन्हें किन्हें, मतलब आई मीन जिन्हें जिन्हें भी पतंगबाजी में इंटरेस्ट है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब घर पहुँचते हैं, और चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, और मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ आपको। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।